साइड मतलब हवा। आप लोगों के यहाँ इसे क्या बोलते हैं? हम तो इसको लड्डू ही बोलते हैं, और यहाँ यूपी में इसको बोला जाता है डुंडा। हमें बड़ा अजीब सा नाम लगता है, और एक्चुअली हम भूल भी जाते हैं कि इसका नाम क्या है। तो मैं तो अभी वहाँ शॉप पे जाती हूँ ना, मतलब शॉप तो क्या, वो रेडी वाले होते हैं जो शॉप पे भी मिलते हैं, राशन की दुकान पे भी मिल जाते हैं। तो उनको मैं कह रही हूँ लड्डू दे दीजिए लड्डू, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या मांग रही। देखा था तुमने उनका रिएक्शन अंकल का? उन्हें समझ रहे क्या चाहिए इनको, और कुछ ही बोले जा रहे थे क्या चाहिए। तब फिर मैं लास्ट में बोली, अरे वो गोल गोल है ना जो, ये क्या बोलते हो आप इसे? फिर वो धीरे से बोले थे करके ढूंढा, तो मैं चलो वो दे दीजिए। तो चले दोस्तों, सर्दी में खाना बहुत अच्छा रहता है। खोल ना बेटा, और हम खा के आए हैं अभी गोलगप्पे, तो मुंह स्पाइसी और तीखा हो रहा है, और मीठा खाने का मन कर रहा है, और इससे बढ़िया मिठास क्या हो सकती है। साल के आखिरी दिन शुरुआत कर रहे हैं ये वाले गुड़ की मिठाई खाने की। ये मिठाई ही है ना, एक तरह की, तो घरों में बनाई जाती है, ताज़ी टेस्टी और अच्छी होती है, और हेल्दी भी होती है। तो ये सब आइटम खाने चाहिए और बच्चों को भी खिलाने चाहिए। वाह वाह, जुड़वा निकल आया। हाँ। तो उसको बंद कर दो, नहीं तो सील जाता है, गिरा तो नहीं था ना। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टाइट मतलब हवा क्रॉस ना हो, नहीं तो ना ख़राब हो जाएगा फिर। और ठंड लग रही थी बहुत तेज़, ठंड के तो कहर की क्या बताएं। बहुत मुश्किल से इसको मैंने कैप पहनाई है, बताइए कितनी प्यारी लग रही है ना, क्यूट लग रही है इतनी। अब मना कर रही थी कि नहीं पहननी है, क्यूट बच्चे लग रहे हो एकदम। मैं हूँ क्यूट। आए हाय, चलो खा लो, हम ये खाते हैं। देखो दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सबके साथ होता है, आज हमारे साथ भी हो गया, कि हम जब सामान अपना लेके आए, क्या उल्टा पहन लिया क्या मैंने, नहीं तो उसमें से एक चीज़ हम पैक करा के वहीं छोड़ आए, और दो राउंड मेरे ऑलरेडी दो क्या तीन बल्कि शायद ना दो ही बार हम ऊपर नीचे आए हैं। अब तीसरी बार फिर जाना पड़ रहा है, जबकि मैं सब लॉक वगैरह करके आ गई थी और रिलैक्स होके बैठ गई थी। अब सामान निकालने जा रही थी जो जो लेके आए, जैसे ही निकालने लगे वैसे ही दिमाग में घंटी बजी कि अरे वो कहाँ है। तो कुछ खाने का ही आइटम हम पैक करवाए थे, अब दोबारा जाना पड़ेगा। और इतनी ठंड हो रही है, सर दुखने लग रहा है बार बार निकलते आते जाते। अगर ये लड़की थोड़ा सा याद रखती तो फाइनली हम लेके आ सकते थे, हम कुछ छोड़ के नहीं आते। मुझे याद रखना जरूरी था। यस, तुम्हें मैं किस लिए लेके जाती हूँ अपने साथ, तुम एक असिस्टेंट होती हो मेरी। ना मैं इतना कुछ पकड़ती हूँ, मैंने फोन पकड़ा, मैंने चाबी पकड़ी, मैंने खुद को पकड़ा। हाँ, बाकी जो पकड़ने की चीज थी वो पकड़नी भूल गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हैंड वॉश करो, दोबारा से कैप लगाओ, फटाफट अब पैदल पैदल चलेंगे, ठीक है? अब स्कूटी नहीं निकाल रही मैं, फटाफट से लेके वापस आते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, अभी रात का बज रहा है 12:40, न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो हम सोच तो रहे थे बहुत बड़ा कुछ प्लान करने का घर में ही, ये और मैं, बस हम दोनों माँ बेटी, क्योंकि हमारी इतनी सी दुनिया है, मेरी यहाँ तक, इसकी यहाँ तक, तो ये यहीं घूमती रहती है। सोच रहे थे कुछ इन्जॉय करेंगे रात को, कुछ पार्टी शार्टी करेंगे दोनों बैठ के, पर सही बताएं ना, जैसे जैसे रात ज़्यादा हो रही हो, ऊपर से सर्दी का टाइम है, कुछ भी नहीं मन कर रहा। बहुत सारी चीज़ हम लेके भी आए थे, प्लान भी बनाए थे, पर अब जैसे ही टाइम लेट हुआ है सब चौपट हो गया है। और बीच में हम कुछ चीज़ लाए थे तो भूल गए थे लाने, वहीं छोड़ आए थे। तो वो क्या थी, वही इसके पैकेट के अंदर है, अभी तक हमने खोला भी नहीं है। और इसको तो हमें इंक्लूड करना था अपनी पार्टी के अंदर में, पर अब पता चल रहा है इसी की पार्टी कर रहे हैं, बस हमको कुछ भी नहीं ले रहे हैं। और ये भी सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हम इसको बनवा के ले आए थे तो हमें खाना पड़ेगा, कंपलसरी हो रहा है। अदरवाइज़ अगर ये इसको बनवा के नहीं लाते ना तो इसको भी हम रखने वाले थे, क्योंकि इस समय कुछ भी खाने का मन नहीं है हमारा, पर लाए तो खाना भी पड़ेगा और खा लेते हैं। Yes.
पैकिंग बहुत अच्छे से करी है उन्होंने, यही सीधा है पूरा। हम लोग कंबल में ही बैठे हैं बिस्तर में ही, ठंड इतनी ज्यादा है बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं है। लोगों ने समझ ही लिया होगा ये क्या है। आप इसे सेव पूरी भी कह सकते हैं, इसे पापड़ी चाट भी कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों नए साल की शुरुआत करते हैं पापड़ी चाट के साथ। पहले आप लोगों के लिए गिरना नहीं चाहिए। ट्रस्ट माय प्रोसेस। और इस समय ना बाहर बहुत तेज पटाखे बम पटाखे फूट रहे हैं और सबसे ज्यादा एनिमल मूवी का गाना चल रहा है। कौन सा? जमल कुडू। अभी बताएगी अर्षिता खाने के बाद कैसा लगा। ये बाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है। हाँ, फ्लेवर हल्का सा कम हो गया। तो दोस्तों थोड़ा सा हमने स्नैक्स तो ले लिया है, वो देखिए टाइम आपको दिखा देती हूँ, रात का हो गया है, एक बजने वाला है। तो थोड़ा सा हम इंजॉयमेंट भी कर लेते हैं। जो बेटी बोली है कि मैं करूँगी आपके साथ मस्ती करेंगे बस, और तो क्या है। तो आप भी इंजॉय करिए साथ में, करें बेटा। यही गाना बाहर चल रहा है, यही गाना मन बच रहा है। हाँ, क्योंकि बाहर बहुत तेज साउंड आ रहा है उसका। हमें आपसे गेस्ट तो कर ही लिए होंगे, सिर पे रख लिया, मतलब क्या करने वाले Happy New Year! Happy New Year! Yeah.